तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन के, तो भारत में शिक्षक शिक्षा के ऐतिहासिक पहलू, मतलब कि शिक्षा जो है वो कैसे, उसका विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें रही हैं। ठीक है, तो वो हम इसमें बात करेंगे कि उसका ऐतिहासिक पहलू क्या रहा है। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें टीचर एजुकेशन की, तो बोलते हैं इसमें जो है वो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इसमें हम बात करते हैं कि कल्चरली हो गया, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो इसमें रहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो अगर हम नेक्स्ट देखें, तो ओवर द बोलते सेंचुरीज जो है वो टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया हैज अंडरगोन वेरियस ट्रांसफॉर्म, मतलब कि जो है वो आपका टीचर ट्रेनिंग जो है वो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस होते रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर बोले तो इसमें जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो आते हैं। और यहाँ पर बोलते भारत में शिक्षक शिक्षा के ऐतिहासिक पहलुओं की विस्तृत खोज की गई है। अब विस्तृत खोज के बारे में अगर हम देखें, तो एंशियंट पीरियड में जो है वो प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो कैसी थी। प्राचीन काल में शिक्षा की बात करें तो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में जो था वो शिक्षा प्रणाली होती थी, गुरुकुल प्रणाली जिसको बोलते हैं गुरुकुला सिस्टम। तो गुरुकुल सिस्टम जो था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट था, एंड स्टूडेंट जो था वो गुरु के पास ही रह के जो था वो शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो मेडिवल पीरियड, मध्यकाल, मध्यकाल की बात करें तो तब जो था वो आपका मदरसा एंड मकतबाज आते हैं, मदरसे और मकतब। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये ज़्यादातर इस्लामी मतलब शासकों ने बोलते ये स्थापित किए थे। धार्मिक शिक्षा जो था वो यहाँ पर प्रदान की जाती थी, कुरान और अरबी की शिक्षा जो था वो यहाँ पर दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल में उपनिवेशिक काल, इसमें ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो ब्रिटिश में यहाँ पर जो था वो ब्रिटिश एजुकेशन मतलब कि इंग्लिश के ऊपर जो था वो ज़्यादा स्ट्रेस किया गया। विद द एविडेंट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम अंडर सिग्निफिकेंट चेंजेस, उसमें जो थे वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस किए गए और ब्रिटिशर्स ने जो था वो मतलब अपने हिसाब से जो था वो शिक्षा को प्रमोट किया। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बोलते पश्चिमी शैली की शिक्षा की शुरुआत की और ऐसे शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना उन्होंने की। नेक्स्ट आता है कलकत्ता नॉर्मल स्कूल। 1836 की अगर हम बात करें तो इसमें जो था वो आपका एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान इसमें आता है, जो कि आपका 1950 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान में क्या है कि एजुकेशन फॉर ऑल मोमेंट्स, मतलब कि सर्व शिक्षा सबके लिए जो है वो शिक्षा। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1960। नेक्स्ट आता है एनपीई एंड एनसीएफ। एनपीई का मतलब है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो ये आपका सबसे पहले 1986 में एम्फेसाइज्ड किया गया था इसके ऊपर। और एससीईआरटी का मतलब क्या होता है आपका, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड डाइट का ये कुछ फुल फॉर्म जो है वैसे पूछी जा सकती है। डाइट्स का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की बात करें तो आपका एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 1986 एंड लेटर इट वाज रिवाइज्ड इन 2005। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट एंड एससीईआरटी, ये हमने देख लिया इसका फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट देखें तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इट वाज स्टार्टेड इन 1990, इंट्रोड्यूस हुआ था ये। एंड इसका एम क्या है कि इंटीग्रेट प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, मतलब कि आपका मतलब शिक्षण से पहले और शिक्षण के दौरान जो था वो दौरान जो है वो टीचर की ट्रेनिंग पर ये स्ट्रेस करता है, एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो ये पूछा जा सकता है एनसीटीई, तो ये आपका 1995, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 एज ए स्टेचुरी बॉडी टू ऑब्जर्व द रेगुलेट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन द कंट्री।
नेक्स्ट है करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, वर्तमान रुझान और चुनौतियां क्या रहती हैं। प्रेजेंट में अगर बात करें तो आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो था, बीएड एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो कर दिया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग। एंड डाइवर्सिटी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम अगले आपका 4th यूनिट में आएगा, उसमें हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिया विटनेस है डाइवर्सिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें आता है बीएड प्रोग्राम, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आता है एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो आते हैं। द चैलेंजेस लाइज इन एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दीज प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्रौद्योगिकी एकीकरण। देर इज अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन टीचर एजुकेशन। अब टीचर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो फोकस करना टू एनहांस द पेडागॉजिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सबको साथ लेके, ठीक है, तो समावेशी शिक्षा जो है होनी चाहिए। द फोकस ऑफ शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अडॉप्टिंग इक्विप टीचर्स विथ स्किल्स, मतलब कि सर समावेशी, मतलब कि स्किल्स भी उनको सिखाई जाए, ठीक है, मतलब उनकी डाइवर्स नीड्स, लर्नर की डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उनको सिखाया जाए। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो साथ में लेके जो है वो शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सबके लिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके अंडर आते हैं, सीपीडी। टीचर एजुकेशन नाउ बोलते हैं एम्फेसिस करती है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर एंड एनकरेज टीचर्स टू एंगेज इन लाइफ लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड ऑन इवॉल्विंग एजुकेशनल मेथडोलॉजीज। नेक्स्ट इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, वैश्विक परिप्रेक्ष्य। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन का देखें तो इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, और भारत शिक्षक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बोलते तेजी से जो है वो, मतलब कि चेंजेस आए हैं, कोलैबोरेशन हुआ है और इसमें विदेशी शिक्षण विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी हो गया, विनिमय कार्यक्रम और शिक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रचलन है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स एंड एक्सपोजर टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। नेक्स्ट है क्वालिटी एनहांसमेंट इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता। तो गुणवत्ता कैसे आए, गुणवत्ता जो आएगी वो आपका करिकुलम उस तरह के सब का फ्रेम होना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा करिकुलम होना चाहिए, उसमें स्किल प्रोग्राम जो है वो होने चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए एंड प्रमोटिंग इनोवेटिंग एंड पेडागॉजी। रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, टाइम टू टाइम जो है वो टीचर एजुकेशन में देयर शुड बी अ रिसर्च होना चाहिए एंड प्रमोशन ऑफ रिसर्च के अंदर अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च अनुसंधानों को जो है वो बोलते बढ़ावा देना, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च होंगे तो नई चीज़ें निकल के आएंगी और नए तरीके से जो है वो डेवलपमेंट होगी, न्यू मेथड्स जो हैं वो आएंगे, देन न्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको सीखा जाएगा, देन उनको जो था जो है वो स्टूडेंट्स को उनके थ्रू टीच किया जाएगा, देन एजुकेशन सिस्टम जो है वो और बेटर बनेगा। चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस, चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएं। चुनौतियों की बात करें तो आपका क्वालिटी एश्योरेंस है, गुणवत्ता आश्वासन, मतलब कि टीचर टीचिंग एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन जो है वो आपकी क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव। तो विद द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस अपडेटेड करिकुलम होना चाहिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। एड्रेसिंग शॉर्टेज, कमी को संबोधित करना, मतलब कि किसी चीज़ की शॉर्टेज है तो उसको जो है वो मतलब पूरा करना। तो इंडिया फेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर, तो क्वालिफाइड टीचर का बोलते इंडिया में शॉर्टेज है तो उनको जो है वो पूरा कैसे किया जाए, तो मतलब वैकेंसीज के थ्रू, साथ में जो है वो पर्टिकुलर इन रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में देखें तो वहाँ पर जो है वो शॉर्टेज रहती है, ठीक है, तो उनको स्किल बेस्ड प्रोग्राम, स्किल बेस्ड जो है वो एजुकेशन को साथ में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीचिंग ट्रेनिंग संस्थान जो है वो भी मतलब खोले जाएँ और वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, टैलेंटेड टीचर जो है उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट आता है अडेप्टिंग टू चेंजिंग नीड्स, बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ढलना। तो टीचर को जो है बोलते चेंजिंग नीड्स, बदलती आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो ढलना पड़ता है, तो उसको मस्ट अडेप्ट टू द
चेंजिंग नीड्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जो भी एजुकेशन सिस्टम की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर को अपने आप को जो है वो ढालना, अपने आप को जो है वो डेवलप करना, अपने आप में जो है वो स्किल्स का जो है वो विकास करना। ठीक है, तो ये आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे वो कॉन्टेक्ट कर सकता है।